नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? देखो, आज मैं कंबल धो रही हूँ अपने। कई दिन से मैं वेट कर रही थी कि होली आके जाए, क्योंकि होली से पहले ये रहता है ना कि थोड़ा मौसम चेंज हो सकता है, तो इसलिए अब फाइनली गर्मियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ चली गई हैं, तो कंबल रखने हैं। तो मैं हमेशा धो के ही रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब निकालते हो उड़ने के लिए तब धो लो, लेकिन तब मौसम ठीक नहीं होता। अब अच्छा मौसम है तो मैं धोने की तैयारी कर रही हूँ। सीन में पानी भर रही है, रख दिया है मैंने। और ये है मेरे पास लिक्विड डिटर्जेंट, इजी भी ले सकते हैं आप, जेंटल है मेरे पास इस समय ये, तो मैं इसी से धोऊंगी। और मैं सारे कंबल यहीं ला के इकट्ठा कर लूँगी अपने। फिर देख, मैं तीनों कंबल ले आई हूँ। ये गरम बेडशीट है जो कि रूम में बिछी हुई थी, इसको भी रख लूँगी। और कंबल्स के कवर भी हैं इन तीनों के, वो सब भी मैं आज ही धो दूँगी। देखो, ये मैंने पानी भर लिया है मशीन में हाई लेवल तक, जहाँ तक इसका हाई लेवल है वहाँ तक। इसमें मैं जेंटल ये डाल दूँगी लिक्विड। कंजूसी ना करें डालने में, क्योंकि हम ड्राई क्लीन पे देते हैं, वहाँ भी तो पैसे जाते हैं। यहाँ तो ये इतने सस्ते में निमट जा रहा है काम, बस थोड़ी सी मेहनत और आप अच्छे से अपने कंबल को ड्राई क्लीन कर सकते हैं। यकीन मानिए, ड्राई क्लीन वालों से ज़्यादा साफ़ होते हैं घर में धोके। मेहनत तो लगती है बट साफ उनसे अच्छा होता है। वो पता नहीं कैसे पानी में धोते हैं, कहाँ सुखाते हैं। और हमारे यहाँ जब घर पे हम खुद धोते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कितने साफ पानी में इनको धोया है, कैसे सर्फ से धोया है। भाई, मैं तो अपने घर में ही धोती हूँ। आपको जैसा ठीक लगे, ड्राई क्लीन करवाना है तो आप ड्राई क्लीन भी करवा सकते हैं, ये तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं हमेशा घर में ही धोती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे धोना है। ये मैंने आधा धोने के लिए डाल दिया, इसमें जब ये धुल जाएगा इसको मैं बाहर निकाल दूंगी। और ये वाला हिस्सा जो सूखा है, इसे मैं अंदर डाल दूंगी, ठीक है। देखो पानी कैसा काला काला हो गया है ना। अभी मैं इसको निकालूंगी बाहर, और इस दूसरे वाले हिस्से को, थोड़ा टफ तो होता है ये निकालना, भारी हो जाता है भीगने के बाद कंबल, लेकिन आप आराम आराम से करेंगे तो हो जाएगा। मैं धो रही थी, चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फिर मैंने कैसे धोए कंबल अपने। थोड़ा भारी हो रहा है, देखो मैं सूखे वाला हिस्सा मशीन के इस साइड डाल दूंगी ताकि निकालने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब ऐसे करके मैं इसको निकालूंगी। नीचे मैंने टप रख रखा है, ये देखो मैंने गीले वाला हिस्सा इधर लटका दिया है, और जो सूखा था वो इसमें मशीन में धुल रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं करते हुए अपने सारे कंबल धोऊंगी। ये रेड वाला धुल चुका है, अब मैं इसमें ये दूसरे वाला, तो मैं पानी है इसमें, मैं इसमें और डिटर्जेंट डाल दूंगी। ये पिंक वाला कंबल अब धुल रहा है, ठीक है, वो धुल गया पिंक वाला। अब मैं ये वाला डाल देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ, चलो धो के ही रखते हैं, बिना धोए नहीं रखते, क्योंकि इसके ऊपर कवर भी लगा हुआ था, और पिंक वाले के ऊपर भी कवर लगा हुआ था, रेड वाले के ऊपर कवर नहीं लगा रखा था। देखते हैं, मैं इन्हें पानी में निकालूंगी अच्छे से। ये मैंने ताजे पानी की टैप चला ली है, जो डायरेक्ट समर जुड़ी हुई है समरसेबल से। थोड़ा तेज पानी आता है, जब ज़्यादा तेज पानी चलता है तो इसमें से अच्छे से सर्फ निकल जाता है। काफ़ी देर से मैं इसको कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट हो गया है। पिंक वाले का नंबर तो मैंने धो के रख दिया, पिंक वाला भी धुल ही गया लगभग। ये मैं आपको दिखाई दो दो मिनट कर रही हूँ, इस काम में मुझे 4 घंटे लगे सारे कंबल धोने में।
से ही आप पलट पलट के अच्छे से धोएं। ये मैंने यहाँ कुर्सियों पर रख दिए हैं, ये सूख जाएंगे, सूखेंगे तो नहीं ऐसे, लेकिन ना टपक जाएंगे अच्छे से। देखो कितना पानी निकल रहा है ना, आप ऐसे कर करके निचोड़ते रहे तो थोड़े हल्के हो जाएंगे, फिर ऊपर टांग देंगे ले जाके इनको। एक मैंने जाली वाली टोकरी है इसमें रख दिया, तो इससे भी पानी नीचे जा रहा है इसका। इधर ये वाला धुल रहा है तो भी बोलूँगी। अच्छे से करें, संभल के करें, फिसल मत जाना। ये भी मैंने धोकर देखो कुर्सी पर रख दिया है। ये कवर्स बचे हैं जो इनके ऊपर लगे हुए थे। कितना पानी इकट्ठा हो गया था कुर्सी पे, ऐसे ही आप निकालते रहे तो सारा पानी निकल जाता है कम्बलों का। फिर ये थोड़े हल्के हो जाते हैं तो ऊपर ले जाके इन्हें सुखा देंगे। चद्दर धुल गई है, एक एक करके मैं सारे कवर वगैरह सब धो के रख रही हूँ। एक कवर धुल गया है, बच्चों को लग रही है 10:30 बज गए थे, मेरे को कंबल धोने में उसके बाद मैंने नहाया। तो टाइम मेरे को नहाने धोने में लग गया पूजा करने में। बस खाना भी बन के तैयार है, मैंने दाल में चौक लगा दिया है, चावल बन रहे हैं। बस चावल बन जाए तो तुरंत मैं बच्चों को खाना देती हूँ। अभी किचन के सामान में साथ साथ साफ कर देती हूँ। मैंने चाकू से सलाद काटी थी, वो तुरंत ही मैंने साफ करके रख दिए हैं। चीज़ें अपनी जगह पर रखी रहती हैं तो कम फैलता है। फिर देखो खाना बन गया है, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, लो खा लीजिए। आप भी आ जाइए, लंच कर लीजिए। देखो चावल है, दही बड़े हैं कल वाले, जो कल बने थे वही रखे हैं, वही मैंने बच्चों को लगा के दे दिए हैं।
और मसूर की दाल है, मलका मसूर, सलाद है, रोटी है। आ जाओ लंच कर लो, मैं भी खा रही हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा देखती हूँ और क्या करना है।